दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना कितना मुश्किल है, लेकिन जब कुछ हमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसमें मैं कुछ ऐसी यूनिक सी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगी और आपकी बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी। तो सबसे पहली टिप है मेरी ये रुई की बत्ती को लेकर। जब हम घर पर ही रुई की बत्ती बनाते हैं तो ईज़िली बहुत अच्छे से बन जाती हैं, और इस पर आप धूप ज़रूर से लगाइएगा। तो आप जब बाज़ार से रुई लेकर की बत्ती लेकर आते हैं तो वो बहुत मोटी होती हैं और जल्दी जल्दी से उजल कर ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए आप ये घर पर ही इस तरह से बत्ती बनाइएगा और इसमें दूध ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि इसकी जो बत्ती की जो नोक होती है वो कैड़ी हो जाती है और बहुत अच्छे से जलती है। अब तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली टिप है मेरी फूल को लेकर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी चाय की पत्ती घर पर निकलती है उसे बिल्कुल ना फेंकें। तो उस चाय की पत्ती को धोकर आप अपने गुलाब के पौधे में डालें तो उसके जो फूल है ना बहुत ही मोटे और बड़े आएंगे और ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं। ये मेरा इंग्लिश गुलाब है, ये कम से कम भी 20-25 दिन तक फूल रहता है और ये मुरझाता नहीं है और ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। आप फ्रेंड्स, वो चाय की पत्ती की ही खाद इसमें डालिएगा, ये बहुत। अब तीसरा है आता है हमें काशीफल को लेकर। जब हम काशीफल बाज़ार से लेकर आते हैं तो हमें किस तरह से इसका चयन करना चाहिए। काशीफल का जो रंग होता है वो सफ़ेद सा होना चाहिए और उसके जो पीछे का रंग होता है वो हरा होना चाहिए और वो कच्चा होना चाहिए। आप जब उंगली लगाकर नाखून लगाकर देखेंगी तो वो सॉफ्ट मिलेगा, और इस तरह से हमें पका हुआ काशीफल नहीं लेना है, हमें कच्चा काशीफल ही लेना है। और इस तरह से ऊपर का ये हमें पार्ट काट देना है और इसी सब्जी में हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, और इस तरह से पतले पतले जंदे से उतार करके इस तरह से लेना है हमें। और इसके जो बीज होते हैं वो हमें सब्जी में बिल्कुल नहीं ऐड करने हैं। वैसे तो पौष्टिक होते हैं लेकिन सब्जी में मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हमें बीजों को इस तरीके से बाहर निकाल देना है। बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं, बस इस तरह से हमें लेना है और इसका जो छिलका होता है उसे हमें बिल्कुल भी छिलकर नहीं फेंकना है और हमें इस तरीके से मोटा मोटा छिलका ही उतारना है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके। और छिलके को हमें इस तरीके से कट के निशान लगाने के बाद हमें चॉप करना है, तो इस तरीके से हमें छिलकों को काटते जाना है और इससे हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और छिलके गल भी अच्छे से जाते हैं, क्योंकि ये जो सब्जी होती है बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अपने छिलके को काटेगा, फेंकेगा बिल्कुल भी नहीं, तो इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। और फ्रेंड, इसी तरीके से हमें सभी छिलकों को चॉप कर लेना है, फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से हमें काशी पर लेते समय सॉफ्ट लेना है और इस तरीके से हमें काट लेना है। यदि पीस बड़ा होता है तो कट लगाकर इस तरह से हमें काटना है। तो इसी तरीके से हमने अपने काशीफल की सभी भागों को काट लिया है और सभी छिलकों को इस तरह से चॉप कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह का काशीफल चयन करना है और किस तरह से हमें इसे काटना है। दोस्तों, इसे भिलिया भी कहा जाता है, इसे पेठा भी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ काशीफल ज़्यादा कहते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स, हमें कढ़ाई में बेलन डालकर ज़रूर से देखना है। क्या होता है, जब हम अपना तेल गरम करते हैं, हमें कचड़ी भूननी हो या फिर हमें पूरी बनानी हो, तो इस तरह से बेलन डालकर देख लें। यदि उसमें बुलबुले आ रहे हैं तो समझो हमारा तेल हो गया है, और यदि नहीं आ रहे हैं तो तेल हमारा भी कम गर्म है, तो उसे यदि हम कम गर्म में डालते हैं तो हमारी पूरी फूलती नहीं है और ना ही सिकती है ढंग से और वो कैड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी पूरी हार्ड बिल्कुल नहीं होगी और सॉफ्ट पूरी बनेगी और एकदम फूल कर आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कढ़ाई में तेल गर्म करते समय इस तरह से बेलन की डंडी को डालकर देख लेना है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। जो हम मेहंदी घोलते हैं तो आयरन के तवे में हमें घोलनी चाहिए। यदि हमारे पास कढ़ाई नहीं है आयरन की या कोई भी बर्तन नहीं है तो आप तवा ले सकते हैं, ये तो सभी के घर में अवेलेबल रहता है। ये मेरी मेहंदी हरी वाली है, तो इस मेहंदी को किस तरीके से हमें सिर में लगाना है, तो इसे सबसे पहले तो हमें तवे पर निकाल लेना है। जितनी आपको मेहंदी चाहिए उतनी ही मेहंदी आप तवे पर निकाल सकती हैं, और निकालने के बाद इसको गुनगुने पानी से घोलिएगा। फ्रेंड्स, ये मेहंदी बिल्कुल काली हो जाएगी और इसे 3-4 घंटे के लिए आप रख सकते हैं, आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें गुनगुना पानी डाल लिया है, आजकल तो नल में ही गर्म आ रहा है तो उसी से काम चल गया, और मैंने ख़राब टूथब्रश भी लिया है और उसी से गम घोल लेते हैं। आप चाहें तो इसे बिस्कर से भी घोला जा सकता है, तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, और इस तरीके से मैंने इस पर घोल दिया है। तो इसको मैं एक फाइन पेस्ट बनाऊँगी और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
तो इस तरीके से मैंने अपनी मेहंदी को घोला है और अब इस मेहंदी को एक बार हम से फिर से चला कर रख देते हैं और इसे हमें ढक कर के रखना है जिससे सूखे नहीं। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर मिलाऊंगी जिससे हमारी मेहंदी काली हो जाएगी, और मुझे लेना है ये आंवला पाउडर और मुझे एक चम्मच आंवला पाउडर इसके अंदर डाल देना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपकी जो मेहंदी है वो बिल्कुल काली हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल अच्छे से डाई हो जाएंगे और इतने अच्छे हो जाएंगे कि जो आपके बाल हैं हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल गर्मी का मौसम है तो कुछ टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो यदि हम फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें भी आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। तो हमें लेना है ये मिठाई का डब्बा, क्योंकि घर में अक्सर मिठाई के डब्बे हमारे पड़े ही रहते हैं। तो इस तरह से आप टमाटर को धोने के बाद आप मिठाई के डब्बे में लगा कर रख दें तो ये टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे से रखे रहेंगे और बिल्कुल भी सॉफ्ट या ख़राब नहीं होंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि टमाटर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो उसकी वजह से ही गलने लगते हैं और डब्बे में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये मेरी अगली टिप बैंगन से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो हम ब्रांचल लेकर आते हैं तब हमें इकट्ठी सब्जी लानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सब्जियाँ ख़राब ना हो तो हमें इस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज करना है। तो हमें बैंगन पर लगाना है ऑयल, इसमें आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर ओलिव ऑयल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लगा करके इन्हें पिंडी में बंद करके रख दीजिएगा तो ये हमारे बैंगन एक हफ्ते तक बिल्कुल इसी तरीके से रखे रहेंगे। जब इनका नंबर आए बनाने का तब बना लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्रेश और इसी तरीके से अच्छे निकलेंगे। बैग आता है हमारा, खाली ये जो बैग आते हैं तो ये हमारे कागज़ के बने होते हैं, तो हम जब ये हल्दीराम का सामान मंगाते हैं तो इसमें ये निकल आते हैं और इन्हें फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अब मैं इसका एक बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताती हूँ। तो ये जो हमारी शिमला मिर्च होती है या फिर टमाटर होते हैं तो इनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और मॉइस्चर आने पर ये सब्ज़ियाँ गलने लगती हैं, तो हमें इस कागज़ के डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख देना है तो इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और ये हमारी एक हफ्ते तक आराम से रखी रहेंगी और हमारी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं गलेंगी। तो ये कैबेज है मेरी, ये आधी कटी हुई है और इसमें भी मॉइस्चर आ सकता है, इसलिए मैं इसको भी इसमें ही रख रही हूँ। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आप इसे फ्रिज की कंडी में रख सकते हैं। तो कितना बढ़िया सा यूज़ है, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। तो ये मेरी मसाले के डब्बे से जुड़ी हुई है। तो ये जो मेरे मसाले के डब्बे होते हैं, जैसे हल्दी होती है या फिर मिर्ची होती है पिसी हुई, तो क्या होता है ये जब ऐसे ही रखे रहते हैं तो इसमें जाले पड़ जाते हैं, गांठ बन जाती है, तो इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो हमारा मसाला ख़राब हो जाता है। तो एक बार हमें इसे 10-15 दिन में चम्मच को घुमा देना है जिससे इसमें जाले और गांठ ना पड़े, तो इससे हमारे मसाले साफ़ सुथरे रखे रहेंगे। तो फ्रेंड्स जब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हमें मिल जाती हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए तो कितना अच्छा होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। इसी तरह से आपको हल्दी के अंदर भी करना है और